गुड मॉर्निंग क्लास बायोलॉजी है yes, आप लोग को इससे पहले बायोलॉजी में हम बहुत हद तक पढ़ाए होंगे yes, दांत बता दिए थे yes, दाते काटना सिखा दिए थे yes, <laughs> सामने वाला yes, इंस इन... yes, ये कौन सा दांत है इंसीजर yes, है कौन सा yes, है इंसीजर है और इसके बगल में जो रहता है केनाई लड़का नहीं बताएगा बस लड़की बताएगी सर पहले सुनो क्या बताना है क्वेश्चन लड़की बस बताएगी सर और फिर लड़का बताएगा सब कि हम केवल लड़की से क्यों पूछे चुराइन पिसाच भूत में कौन सा पाया जाता है यही ज्यादा होता है अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों पूछे चलिए समझिएगा समझ में आ गया कि नहीं आ गया मांसाहारी जानवरों में केनाई केनाइन लंबा होता है केनाइन तो होता सब में हम लोग केनाइन लगभग उतना ही हो जाता है इसके बगल में क्या होता है प्री मोलर कौन सा होता है प्रीमोलर क्या बच्चों में प्रीमोलर होता है साफ नहीं होता है और इसके लास्ट में होता है मोलर 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 बच्चों में होता है होता है बस ये लास्ट वाला नहीं होता बाकी सारा तो मोलर होता ही है बस लास्ट वाला नहीं होता तो बच्चों में मोलर में से थर्ड मोलर नहीं होता अब मोलर तो साफ ही नहीं होता प्रीमोलर प्री मोलर होता ही साफ नहीं होता बता दिए थे दांत देखिए आगे का जो ये इंसीजर है क्या है इंसीजर पक्षियों में ये इंसीजर सट के चोच बन जाता है जिसे हम लोग ठोड़ कहते हैं क्या कहते हैं ठोड़ तो इंसीजर व क्या बन गया है ठोड़ हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत है वो केनाइन है कि इंसीजर है कितना लोग कहता है इंसीजर और कितना लोग कहता है केनाइन है केनाइन वाले लोग का गलत है इंसीजर है मांसाहारी जानवरों में ना केनाइन बढ़ाओ हाथी मांसाहारी है नहीं उसका देखिए ये फर्स्ट वाला जो इंसीजर है ये ये वाला और ये वाला ये अंदर रहता है और ये वाला इंसीजर वा बाहर निकल जाता है इसे और ये ये वाला इसे बाहर निकल जाता है समझ में आ गया गया कि नहीं ये दोनों इंसीजर रहेगा अंदर ऊपर के दो इंसीजर क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते तो इसलिए हाथी जब मुंह खोलेगी ना तो उसके सूढ़ के जस्ट नीचे ये दो ठो दांत आपको दिखेगा उसी से वो खाना वगैरह खाती है तो कहा जाता है हाथी के दिखाने के दांत और और खाने के दांत और दोनों अलग अलग होते हैं मतलब इससे खाना थोड़ी खाएगी इसे वो दिखाएगी तो दिखा मतलब जब इंसान के दोहरे नेचर होते हैं ना तो उसी को कहा जाता है कि ये तो दूसरा है मतलब दो डिवल नेचर का है समझ आ गया कि नहीं आ गया दांत पढ़ा दिए थे आप लोगों को बता दिए थे बत्तीस दांत वगैरह आप लोगों को अभी सब में जरूरी नहीं कि सबका बत्तीस आएगा ही लेकिन 28 तो कन्फर्म आएगा को अट्ठाईसों से कम है हाँ तो मार धार में तूरा होगा वो हाँ हाँ लड़का सब में ये सब घटना होता है मोटरसाइकिल से ढह जाएगा पतंग तुरने में उलट जाएगा पेड़ पे से उलट जाएगा तो सब का दांत और बोखराइल रहेगा ये दो चार गो नकोटल के निशान रहेगा ये सब समझे लड़का सब में चलो जल्दी जाओ आ रहा है इतना लेट उसके बाद सोच रहा है कि अभी टाइमे से हम आगे बढ़े अब पाचन देखते हैं पाचन की क्रिया तो दांत से ही चालू हो जाती है यानी मुंह से चालू हो जाती है अब मेन पाचन के बारे में देखते हैं दांत में किसी को डाउट है दांत का फॉर्मूला भी बता दिए थे ना दांत का फार्मूला एक साइड से लिख दिया जाता है बता थे ना यहाँ आप... दांत का फार्मूला लिखने के लिए बीस से लाइन ड्रॉ करते हैं बीस से क्या डाल कर लाइन इधर के सारे दांत लिख दीजिए हो गया इनसीजर कट कैट हो दो केनाइन, ए प्री मोलर दो मोलर ऐसे ही तो नीचे भी होगा अगर बच्चों का लिखना है तो इंसीजर दो केनाइन ए प्री मोलर जीरो मोलर दो और नीचे में भी तो वही होगा दांत का हम आपको फार्मूला बता दें दांत का बाहरी भाग को हम इनामिल कहते हैं जो मजबूत होता है जबकि अंतर का भाग डेंटाइन कमज़ोर होता है अगर इनामल गया तो डेंटाइन किसी काम का नहीं है इसलिए दांत वगैरह जो है वो ज़रूरी रहता है दांतों के ऊपर जब आप एक बायो फिल्म जम जाता है दांतों के ऊपर क्या जम जाता है फिल्म बायो मतलब होता है जीव जंतु तो वो फिल्म जम जाती है इसलिए दांत ना फिसलने लगते हैं और उस पर पीला पीला कचड़ा जम जाता है हमारे थूक में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है हालांकि कई एंजाइम पाए जाते हैं हमारे लारवा में और थूक में उसमें से एक एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम ये कीटाणुओं को मार देता है जब हम जगे रहते हैं तो वह दिन भर में डेढ़ लीटर लार यानी लारवा बनते रहता है वो हमारे दांतों पे बैठने वाले कीटाणुओं को गंदगी को मार देता है इसलिए अगर हम कंटिन्यूस दस दिन भी जगे रहेंगे ना दांत गंदा नहीं होगा और दो घंटा के लिए भी सो जाइएगा ना गंदा हो जाए सोचिए ना रतिया कोई खाना खाता है आप लोग भी नहीं खाती होंगी रास्ता जी हम तो अच्छे बात पूछे तो रात में कोई खाना खाता है सुतले में लेकिन जो दिन भर आदमी कचर कचर खाते रहता है दंतवे गंदा नहीं होता तो सूद का जा तो गंदा हो जाता है क्यों क्योंकि वो लाइसो एंजाइम एंजाइम नहीं मिल पाता अब वही तब बैक्टीरिया वायरस क्या हो जाते हैं जमा हो जाते हैं सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो कभी कभी आदमी को नाश्ता के बाद याद आता है कि ब्रश ना किए तो ए लपेट दे कल हो तो ना <laughs> नहीं हो जाता है हाँ कभी कभी तो नाश्ता के बाद आदमी को फिर मन घिना जाता है ना करिए लेते हैं सोचा पूरा काई जमल है पूरा तो दांत पूरा पढ़ा दिए थे आप लोग हाँ अब पाचन तंत्र देखते हैं क्या देखते हैं पाचन तंत्र पाचन तंत्र मुंह से चालू हो जाता है मुंह में जाते हैं सबसे पहले उसको मिलेगा दांत तो। सबसे पहले क्या मिलने वाला है दांत तो पाचन समझते हैं पाचन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स जटिल चीजों को तोड़कर सिंपल बना दिया जाता है जैसे आप सब्जी खा रहे हैं तो सब्जी में कार्बोहाइड्रेट है फैट है प्रोटीन है विटामिन्स है इन सबको अलग अलग तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है पाचन हम लोग तो तो मिक्स खा जाते हैं समझ में समझनाएगी नहीं जैसे रोटी खा गए तो रोटी में ज्यादातर मात्रा में उसमें स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है तो स्टार्च को अलग करेगा कार्बोहाइड्रेट को अलग करेगा तो पाचन की क्रिया कॉम्प्लेक्स भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ तोड़ कर क्या करना है छोटा करना है जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़कर क्या करना है छोटा करना होता है यही क्रिया क्या कहलाती पाचन कहलाती पाचन प्रारंभ कहां से होता है कहाँ से मुंह से चालू हो जाता है मुंह में उसको सबसे पहले मुलाकात किससे होता है तो सबसे पहले पाचन मुंह से और मुंह के बाद ग्रास नली क्या होता है ग्रास नली ये इतनी छोटी नली होती है ग्रास नली पंद्रह सेंटीमीटर की होती है ग्रास नली अब वो देखो अब कोई पूछेगा कितना सेंटीमीटर भैया लंबाई पे भी तो डिपेंड करता है अब दोनों चार फीट का आइए तो कर कौन चीज मिलेगा ग्रास नली तो हमको लगता है सीधे गिर जाना चाहिए पेटे में नली की तो जरूरत भी नहीं है तो डिपेंड करता है ना कौन कितना है पर पंद्रह सेंटीमीटर एक स्केल बराबर होता है पर तो ये क्या हो गया ग्रास नली क्या हो गया ग्रास नली तो पाचन कहाँ से प्रारंभ हुआ मुंह से और उसके बाद कहाँ गया ग्रास नली कहाँ गया वो ग्रास नली में ग्रास नली के बाद हो जाता है पेट में कहा जाता है पेट में पेट को हम आमाशय कहते हैं क्या कहेंगे आमाशय पेट को क्या कहेंगे आमाशय हिंदी में इसे आमाशय कहते हैं अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं समझ आ गया कि नहीं ग्रास नली और ग्रसनी में अंतर है बिल्कुल अंतर है समझा गया देखिए ध्यान से अब समझते चलिए ये हो गया कौन सा जी ग्रास नली अंग्रेजी में ओएसोफेगस ओएसोफेगस ये क्या हो गया आमास है आमास है इसी को क्या कहते हैं स्टोमच क्या कहेंगे स्टोम। समझा गया नहीं आ गया पेट नहीं कहेंगे भैया ये पेट पूरा ये हिस्सा आ गया ये पूरा डिपार्टमेंट है क्या है पेट डिपार्टमेंट क्या है पेट अंग्रेजी में से एब्डोमेन कहते हैं पूरा डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग ब्रांच है समझा उसका जिसमें खाना जाता है वो क्या होता है सबसे लंबी होती है ये। लेकिन पतली इसलिए क्या कहा जाता है छोटी आंत क्या कहा जाएगा छोटा अब ऐसे ही देखिएगा अगर सेम हाइट का दो आदमी है एक वो बहुत तगड़ा है मोट वोट तो लगेगा बहुत बड़ा है बड़े हैं या नहीं डिपेंड करता है क्षेत्रफल कैसा तो इसका पतला रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं छोटी आंत तो छोटी आंत की बस मोटाई कम होती है और छोटी आंत जाके जुड़ जाती है किससे बड़ी आंत से किससे जुड़ती है बड़ी आंत से जुड़ जाती है किससे जुड़ जाती है बड़ी आंत से जुड़ जाती है ये हो गई बड़ी आत कौन सी आंत हो गई बड़ी आत किसे जुड़ गई बड़ी आंत अब बड़ी आंत जाके जुड़ता है मलाश से किससे जुड़ जाता है मलास रेक्टम क्या होता है रेक्टम से और ये उसके बाद ये अनपचा भोजन एनस यानी गुदा से शरीर से बाहर हो जाता है तो आप ध्यान से देखिए ये क्या हो गया छोटी याद तो ये टोटल कंप्लीट पीडीएफ में है नहीं मिला पीडीएफ नहीं मिला जी पीडीएफ कहाँ है दे देना चाहिए चलिए पीडीएफ मिल जाएगा पहले समझने पे ध्यान दिया कर लो बोलिया छापने पे ध्यान देती रहती है इसको पहले समझो बढ़िया से समझ जाइएगा। तो एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में दस से बारह मिनट का गैप होता है उसमें पूरा बना दीजिएगा लोग पूरा पहले एक बार समझ जाइए आगे बढ़े बाबू देखिए ध्यान से तो पाचन कहां से स्टार्ट हुआ मुंह से तो खाली जगह को हम गुहा या कैविटी कहते हैं खाली जगह को क्या कहेंगे गुहा या कैविटी अंग्रेजी में कहेंगे कैविटी क्या कहेंगे क्या कैविटी हिंदी में गुहा कहा जाता है कैविटी या गुहा तो हमारे शरीर में कई जगह कई चीज में खाली जगह है जैसे पेट में खाली जगह है तब एक थरिया खाना खा जाता है आदमी खाली जगह नहीं रहता तो खा पाता नहीं तो पेट को हम लोग कहते हैं उदर क्या कहेंगे उदर और इसके खाली जगह को गुहा उदर गुहा अंग्रेजी में एबडोम कैविटी छाती में खाली जगह है तभी ना पूरी शरीर का खून चला जाता है दिल के अंदर हम सांस लेते हैं ऐसे छाती में आके भर जाता है तो इसमें भी खाली जगह है कि नहीं है आ, कोरोना में यही खाली जगह भर गया था किस से कोरोना से सांस लेने का जगह है नहीं था तो आदमी मर गया वहां पर तो छाती में भी खाली जगह है। तो छाती को शुद्ध हिंदी में वक्ष कहते हैं क्या कहते हैं वक्ष तो ये क्या हो गया वक्ष गुहा वक्ष गुहा मुंह में खाली जगह है हा? तभी तो खाना खाते हैं जी अरे एक कप पानी रख लेता आदमी इसी में लेकर तो गल 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 गल। पान खाने वाले को देखिएगा पान कहाँ खाया जाता है मुख गुहा में पान मी में रखेगा लेगा मुसरा जो पान खाएंगे रूबर जी पान बात करते हैं ठूक के बात करेंगे या हम तो पान कहाँ खा कर रखा रहता है मुख गुहा में।, तो खा में खाली जगह तभी तो रख लिया उसमें पूरा बिजी कर लेता है पूरा मैं दबा के खाया रहता।, रहता है और पान खाने वालों का बैलेंस बहुत जबरदस्त रहता है किधर भी घूमेगा ये एंगल नीचे नहीं होगा क्या कर रहे हैं अरे ठीक आप, है कल मिल जाएंगे घूम जाएगा ये एंगल नीचे नहीं करेगा नाक में भी है नाक में भी गुहा है खाली जगह खाली जगह है कि नहीं और कभी कभी नकटी भर जाता है पूरा सांस लिया नहीं बनता है मारता है सो एक कटोरा छीनिकता है सब आओ के बादो नहीं निकला तो एगो बंद करके क्योंकि क्षेत्रफल कम करने पर प्रेशर बढ़ जाता फिजिक्स का रूल है तो एको बंद करेगा पहले मारेगा धड़ाम से खोजेगा किधर निकला रहे। तो नाक में भी खाली जगह है कि नहीं है। तो इसे नाक गुहा कहते ये मुख गुहा कहते हैं दिमाग में भी खाली जगह है तभी ना ये डाउनलोड हो रहा है हमेशा का हंसते हो लोग बता तुम लोग को तो एकदम मान लिया ऐसा कि बेवकूफ है लोग नहीं ऐसा नहीं है ऐसे दिमाग में खाली जगह नहीं है जी तभी तो डाउनलोडिंग हो रहा है यहाँ पर ये है आपका ऊपर दिमाग ब्रेन कैविटी है यहाँ पर यहाँ पर आगे बढ़ जाए किसी को दिक्कत नहीं ना तो पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है मुख गुहा क्या होता है मुख गुहा मुख गुहा बक्कल कैविटी अंग्रेजी में बक्कल कैविटी तो पाचन कहां से चालू होगा बक्कल कैबिटीज कहाँ से बक्कल कैबिटी मुख गुहा मुख गुहा में आपको तीन चीज मिलेगा पहला दांत दूसरा जीव और तीसरा लार बनाने वाली लार ग्रंथि लारवा बनाने वाली लार ग्रंथ वो लार स्लाइवा बनाती है लारवा नहीं स्लाइवा लार बनाती है वो ग्रंथि तो स्लाइवा वाली ग्रंथि तीन चीज मुख गुहा में पाई जाएगी जिसमें पाचन में दांत काम आएगा पाचन में लार बनाने वाली लार ग्रंथि आएगी समझ में आ गया लेकिन जीव पाचन का हिस्सा नहीं है वो बस बताता है कि जो तुम खा रहे हो ना दिन पहले से सड़ चुका है तो सड़ गया इसको मत खाओ वो हमें ज्ञान कराता है इसलिए उसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो बताइए पाचन कहां से हुआ मुख गुआ के बाद ग्रास उसके बाद आमा उसके बाद छोटी आ... बढ़िया है उसके बाद गुदा मलाशे के बाद गुदा मनासे के बाद गुदा अंग्रेजी में इसे रेक्टम कहते हैं क्या कहते हैं रेक्टम क्या कहेंगे रेक रेक्टम, रेक्टम। में अनपचा भोजन यहीं जाके जमा हो जाता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया और अगर यहाँ पर कोई भी इंसान को जैसे होता है कि उसको हर चीज की टाइमिंग होनी चाहिए ठीक है तो अगर बहुत ज्यादा उल्टा सीधा खाएंगे अनपचा भोजन ज्यादा नहीं पच पाएगा तो वो यहां जाके मल गुदा में क्या हो जाएगा जमा हो जाएगा और फिर यहाँ पे सड़न पैदा करने लगेगा फिर यहाँ पाइल्स टाइप की बीमारी होने लगती है यहाँ पे तो अभी हम लोग आगे पहले बढ़ते हैं यहां से कहते हैं ये बड़ी चालू हो गई यहाँ पे क्या हो गई बड़ी आंत तो देखिए पाचन कहां से चालू हुआ पाचन कहा से चालू हुआ और जब तक मुख गुहा में चला गया ये ससुराल जहां जाएगा उसको हमेशा तोड़ फोड़ होते रहेगा जब तक वो लेटरिन के रास्ते बाहर ना चला जाए अब तक उसके उसमें से पानी की मात्रा खाना के साथ हम लोग पानी भी पी लेते हैं तो पूरा का पूरा जो हमारा आहार है जो हमारा भोजन है वो इसी रास्ते पे घूमता है इसलिए इस रास्ते को हम आहार नाल कहते हैं क्या कहेंगे आहार अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल अंग्रेजी में क्या कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों को लगता था आहार नाल यही है वो तो ग्रास नली है वो तो छोटा सा है आहार नाल का एक हिस्सा है आहार नाल ये पूरा है तो शरीर का समझिए आहार नाल पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है आहार नाल समझ में आ गया कि नहीं पोस्टमार्टम जब किया जाता है ना तो इसे चीरा जाता है अब पेट से निकाल अब यहाँ से डॉक्टर एक चीरा लगाता है यहाँ तक में आ चीरा लगाने के बाद चाकू डालता है अंदर और अंदर ले आके ये जीव काटता है एक यहाँ से जीव काटेगा यहाँ से और फिर अंदर से काट देगा तो उसके जैसे जीव काटा तो आहार नाल का यहां से कनेक्शन खत्म पूरा जीव सही ग्रास नली पेट हो गया छोटी आंत बड़ी आंत पूरा ले आके बचाकर से रख देगा इसे ले बकरी उकरी काटता है तो देखते है इतना बड़का रख देता है इतना बड़ का जो निकालता है वो क्या है हाँ अमास है। क्या है वो अमास ऐसे रस्सी टाइप का निकालता होगा छोटी आंत मोटा रस्सी टाइप का निकालता है बढ़िया पूरा पूरा व्यवस्था बाहर निकाल के रख दिया वो समझ में आ गया कि नहीं तो आहार नाल एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है समझ में आ रहा है आहार नाल को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल समझा कि नहीं आ गया क्या कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल पढ़ो ना बाबू कह रहा है कि आप इतना सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं बुढ़ा गए है, हम पढ़ाते पढ़ाते हमें यही काम हुए आ गया कि नहीं बहुत आसान चीज है आप ही दिन भर यही करिए ना जीएस पढ़ाते रहिए छह महीना में आप भी पढ़ाने लगेंगे आपके पास बहुत सारा काम है ना आपको मैथ पढ़ना है इंग्लिश पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है उधर भी समय देना है तो आप लोग के पास डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है और कई को गाँव वाले को समय देना है पटना में दूसर व्यवस्था कर दे लेना इधर समय देना ओके बाद वेटिंग लिस्ट में कोनो का तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है मल्टी टास्किंग है आप लोग समझा गया सब जो आजकल जमाने में मोबाइल उबाइल आ गया है और और रद्द कर दिया समझ में आ गया आगे बढ़े देखिए ध्यान से। आहार नाल बता देंगे पहले कहां से चालू होगा मुख्यली बड़ी आत गु मलासे, गुदा मलाश के बाद गुदा याद रहेगा उल्टा बताइए गुदा मलास बड़ी आत छोटी आत आमा ग्रास नली याद हो गया सीधा मुक गुहा ग्रास नली आमाश छोटी आत बड़ी आत मलाश और गुदा याद हो गया तुम बताओ ना वो ग्रेफाइट हाँ। है है आप तो चलिए खड़े होके बताइए हैं। तब हैंडीकैप नहीं है तो खड़े सुनाइए इसको वो हैंडीकैप सीट है इसलिए उस पर आप नहीं बैठे हाँ ठीक है बैठ जाओ कौता क्लास है आज फर्स्ट चलो याद हो गया समझ में आ रहा है <laughs> गांव से आता है सब मूड बना के खान सर गया पढ़ना पढ़ाई पे ध्यान देना है समझ में आ गया कि नहीं ऐसे तो हम पढ़ाए लाखों को लेकिन लड़का पढ़ने पटना आने के बाद छह महीना बाद उसको कही कहीं ना कहीं चौमीन खाते कोई दिख जाता है अब उधरे चल जाता है अरे बाप रे चल इधर चल अगर आप लाल पीला हरा से बच गए आपको मोक्ष मिलना फिक्स है समझ में आ गया कि नहीं आ गया आ नहीं बचे तो गए काम से अच्छा कई गो है सब तो ऐसे ही खुश हो जाता जैसे वो तो टकलू है तुमको कोई पूछने वाला नहीं है बसर थे तुम न, तु, तुम खुद न जा आ बैल मुझे मार बेचारा <laughs> का बाल झड़ गया है पूरा नौकरी जल्दी लो आगे बढ़ाए बताइए ग्रास नली हो गया आमासे हो गया छोटी यार, बड़ी इंग्लिश में हो जाएगा बक्कल कैविटी क्या कहेंगे इसे बक्कल कैविटी ओएसोफेगस एस्टोमच स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एनस रेक्टम के बाद एनस खत्म हो गया आपका ये पूरा का पूरा होता है क्या जी आहार में आगे बढ़ जाए किसी को कोई दिक्कत नहीं रेक्टम हो गया ये ये हो हो गया एनस ये हो गया रेक्टम रेक्टम मेटेरियल में लिखा हुआ है आपके टोटल ठीक है पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को मिल जाएगा चलिए अब ध्यान से समझते हैं बेके करके पढ़ते हैं तो पढ़ा बताइए पाचन कहां से चालू हुआ <laughs> तो पढ़ाई करेंगे हम लोग मुख गुआ से मुख गुआ में कितनी चीजें एक होती है दांत पढ़ा दिए दूसरा जीव क्या इस चैप्टर में पढ़ना है नहीं। क्यों नहीं पढ़ना है? पाचन में जीव का कोई भी योगदान नहीं है तो हम दांत पढ़ा दिए हैं जीव इस चैप्टर में नहीं पढ़ना जीव का चैप्टर ही अलग है जीव का चैप्टर और कौन सी है स्लाइबा बनाने वाली लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो अभी आपको मुख गुहा में पढ़ना क्या लार ग्रंथि पढ़ना क्योंकि यह पढ़ा दिए दांत जी पढ़ना नहीं है इस चैप्टर में आगे पढ़ना है तो यही वाला आपको पढ़ना है लार ग्रंथि के बारे में तो उससे पहले आपको ना लार ग्रंथि को हम स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं क्या कहते हैं ग्लैंड क्या कहेंगे स्लाइवरी ग्लैंड देखिए बाहू ग्लैंड या ग्रंथी किसे कहते हैं ग्लैंड या ग्रंथी ग्लैंड या ग्रंथी एक थैला होता है जिसके अंदर हार्मोन या एंजाइम पाया जाता है जिसके अंदर हार्मोन या एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाने वाली छोटी छोटी थैली जिसके अंदर या तो हार्मोन पाया जाएगा या तो एंजाइम पाया जाए उसी को हम ग्लैंड या ग्रंथी कहते हैं एंजाइम की पहचान उसमें ब्लड नहीं मिला होता है हार्मोन की पहचान वो ब्लड के साथ आता है ब्लड के साथ आता जैसे हमारा पसीना हमारा पसीना किसी का पसीना से खून निकलता है हा तो वो एंजाइम है क्या है एंजाइम गया आंसू एंजाइम क्या एंजाइम किसी के आंसू से खून निकलता है नहीं निकलता वो लड़की को बेकूफ बनाने के लिए गाना गाएगा सर लहू बन के आंसू बरसने लगे तो भैया तुम्हारा लीटर खून है कमरो जाएगा जाएगा पे और वैसे भी डेंगू चल रहा है समझ आ गया कि नहीं आ गया <coughs> तो बताइए ग्रंथि क्या होती है एक छोटा थैला जिससे या तो हार्मोन निकलेगा या तो एंजाइम एंजाइम निकलेगा तो क्या वो ब्लड के साथ आएगा नहीं। और हार्मोन निकलेगा तो ब्लड के साथ आएगा ब्लड बॉडी के इंटीरियर अंग में रहता है तो जब हार्मोन निकालता है तो उसे कहते हैं अंत श्रावी ग्रंथि और जब एंजाइम निकालता है तो बहिर श्रावी ग्रंथि। तो ग्रंथियां कितनी टाइप की तो इसमें हमें ग्रंथि नाम का चैप्टर ही है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां पढ़ाएंगे कान में मइल जमाने वाली आंख में खोटी जमा की कान में खोटी ये सब जमाने वाली ग्रंथियों को एक चैप्टर ही अलग से पढ़ना है तो ग्रंथी का मतलब समझ आ गया कि नहीं ग्रंथि क्या होता है एक प्रकार का थैलाउ जिससे या तो हार्मोन निकलेगा या तो एंजाइम की पहचान ब्लड के साथ नहीं। और हार्मोन की पहचान ब्लड के साथ ही रहता है समझ आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है बोलो बाबू बोलो हम्म हम्म, बैठिए बैठिए इन बाबू का कहना है मांस खाते हैं तो पच जाता ठीक है आगे अभी वहां पहुंचे नहीं ना अभी तो मुख्य गुहा पे अटकल है यहां पहुंच गया इसका कहना है कि हम मांस खाते हैं मांस पच जाता है हमारा ये आमासे भी तो मानसे का बचा है बना है ई का है नहीं पच जाता है <laughs> उसके ऊपर एक लेयर होती है म्यूकोसा की वो लेयर उसको टच होने नहीं देता समझ आ गया जैसे दीवाल के ऊपर प्लास्टर मार देते हैं दीवाल सेफ जैसे ये देखिए दीवाल के ऊपर हम ये फॉलसेलिंग मार दिए तो तो आउट करो तो रंद, मत करो तो अभी वहां पहुंचेंगे तो आपको बताई देंगे आगे बढ़े तो हमको को क्या पढ़ना है लार ग्रंथी क्या पढ़ना है लार, लार ग्रंथी हमारे लार ग्रंथी पाए जाते हैं यही थुथुरे पाए जाता है तीन गो इधर तीन गो इधर कितने पाए जाते हैं तीन तीन इधर तीन इधर जैसे खाना आएगा जैसे खाना लार ग्रंथि अचानक लार बनाने लगेगा इसलिए अगर आप नॉर्मल बैठे हैं अभी कोई इमली निकाले ऐसे हम इतना तेज उसमें से लार ग्रंथि से सलाइवा निकलेगा कि आपको दर्द करने लगेगा यहाँ पर समझा गया कि नहीं आ गया बढ़िया इमली उमली निकाल देते आप तैयारी में है देख लिया अरे अरे बाप रे आ जा समझा गया कि नहीं तो लार ग्रंथि तीन जोड़ी तीन इधर तीन इधर तो तीन जोड़ी क्या पाई जाती है लार ग्रंथ तो पाचन तो हमको यहीं से चालू हो गया दांत हम आपको पढ़ा दिए हैं अब पढ़ना है लार ग्रंथ स्टार्ट किया जाए ना बताइए कितनी होती है तीन जोड़ी कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी। इसको ऊ तो नहीं समझ रहा है सो जोड़ी। ऐसे लिखे थे तीन जोड़ी तीन जोड़ी। तीन जोड़ी क्या पा जाता है लार्ग तीन जोड़ी तीन जोड़ी पाए जाते हैं तीनों के अलग अलग नाम होते हैं तीन जोड़ी पाया जाएगा तो तीनों अलग अलग कैटेगरी का सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पहला होता है पैरो सबसे बड़ा होता है उसका सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल सब मेंडिबुलर और एक होता है लिंगुअल सब लिंगुअल कितनी लार ग्रंथिया पैरोटीड सबमेंडिबुलर सब सबलिंगुअल। पैरो सब तो सब तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पूछता है बी एस बीएससी। बायोलॉजी लिए होंगे लोग तो पूछब करेगा कहीं भी जाएंगे तो इतना तो पूछेगा ही आप लोग से याद रहेगा बाबू किसी को दिक्कत नहीं ना बताइए कितनी जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है? तीन जोड़ी पाई जाती है सबसे बड़ी वाली का नाम पैरोटीड सब मेंडिबुलर सब लिंगुअल पैरोटीड सब ये तीनों जोड़े में पाए जाते हैं पैरोटीड कहाँ पे यहाँ पे यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पाया जाता है फिर दो ठो इसके नीचे पाया जाता है यहाँ पे नीचे में छोटी छोटी थैला टाइप का होता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये दिन भर में एक दिन में पर डे दे, डेढ़ लीटर निकालता है सब एक से डेढ़ लीटर स्लाइवा यानी हमारे मुंह से कलेक्ट होके लार को बनाते रहता है डेढ़ लीटर बनाता है ये दिन भर में समय आ गया आ गया जिसमें सबसे बड़ा कौन है पैरोट कभी कभी पैरोटिड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होता है जैसे हमारी त्वचा पे वायरस आता है ना तो अंदर घुस जाता है छोटे से पसीना निकलता है ना सुसरा उसमें घुस जाता है तो वहां डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट हैं हैं उसको मिलते हैं सर दो तीन तमाचा देते हैं सो उलट जाता है सजुरा वायरस आएंगे यहाँ पे और कुछ कुछ वायरस व ढीठ होते हैं सर जैसे कोरोना का आते तो फरिया लेते हैं ढीठ होता है उसी तरह एक वायरस है जिसका नाम है मम्स क्या नाम है मम्स गलसूह कहते हैं वो यहाँ घुसता है तो मर जाता है लेकिन जैसे यहाँ घुसता है ना ये पैरोटिट ग्रंथिया को फुला देता है पैरोटिट ग्रंथिया को क्या कह दे फूला दे तो देखिएगा गलवा गाल एक ओर से सूज जाएगा इसे तो कहेंगे बबुआ को क्या हो गया गल हो गया क्या हो गया गल तो वायरस बहुत ही कमजोर होता है सेक दीजिएगा तो गर्मी से मर जाएगा बहुत ही कमजोर होता है तो आप देखेंगे ना गल लिए ऐसे पट्टी आती है आप लोग में किसी को हुआ ये यहाँ पे ये पट्टी लगा दिया जाता है अब आप लोग को नहीं हो तो ठीक है तो पट्टी लगाने के बाद जब पट्टी उखाड़ेंगे तो दाढ़ी उड़ी लेके निकलेगा भयानक <laughs> हो जाएगा वहाँ पर तो बचपन में ज़्यादा ये सब होता है तो पैरोटिट ग्रंथि किस बीमारी से प्रभावित हो जाती है मम्स किसे मम्स जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया जाता होगा जिसमें यह बताया जाता होगा कि मम्स प्लूरल दिखता है लेकिन सिंगुलर होता ये सब अंग्रेजिया में ये सब पढ़ना था खत्मे नहीं होता था आ उसको समझे में नहीं आता कौन किस डिपार्टमेंट का बायोलॉजी में कितना इसा? हाँ अभी मुख गुआ में अब ग्रास नली में जाएगा मासे में जाएगा समझ में आ रहे हैं सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्टिव ये वो दुनिया भर गए किस दुनिया में जा रहे हैं पते नहीं चल रहा है लेकिन जरूरी है उसे पढ़ना सांप में पायरोटिड ग्रंथियाँ में जहर पाया जाता है समझ में आ गया जैसे हम कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं खटाक से तो हमारी लार ग्रंथी लार निकाल देती हम और जैसे जैसे हम लोग देखे रहते हैं खाना को तो उसको दिमाग में आइडिया इसको पचाने में ज्यादा मेहनत होता है ज़्यादा लार निकालेगा जिसमें कम है उसमें कम निकालेगा तो सांप में पैरोटीन ग्रंथि किसका काम करती थी जहर का जब भी सांप बहुत जोर से काटेगा तो दांत के ऊपर वो पैरोटीट ग्रंथि होती है वो जाके उससे टच हो जाएगी अब वो जहर जो है वो टपक जाएगा किसके ऊपर दांत के ऊपर और दांत गड़ा दिया आपके शरीर में तो जैसे दांत गड़ाएगा सांप कचकचा के दापेगा तो ऊपर से उसमें दो टपक उसका सांप में लार ग्रंथि में क्या बन रहा है जहर डाल दिया जहर आपके अंदर समझा गया कि नहीं अब जहर गया आपके शरीर में सांप का जहर या तो आपके ब्लड को दही की तरह गाढ़ा कर देता है या तो आपके ब्रेन को लॉक कर देता है दो टाइप का आपको सांप काट लिया था सांप बच गया कि नहीं नहीं कौन सा सांप काटा था जहरीला था मतलब डॉक्टर के पास गई थी कि नॉर्मल हो गया सही हाँ सांप अब काटे तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए इस सब चक्कर में नहीं रहना चाहिए समझिए ध्यान से सांप के दो टाइप के जहर होते हैं एक आपके ब्रेन को स्टॉक कर देता है और दूसरा आपके ब्लड को दही ऐसा कर देता है खून कितना पतला होना चाहिए ना जी उसको दही ऐसा कर देगा खूनवाग में नहीं जाएगा आगे ही नहीं जाएगा तो शरीर छटपटाने लगेगा इसे 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 अब मुंह से गाज फेंकने लगेगा इसे खत्म कर नहीं तीन घंटा के अंदर खत्म कर नहीं तो जो जो इसे हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर देता है उसे हीमोटॉक्सिक टॉक्सिक मतलब होता है जहर हीमोटॉक्सिक और जो ब्रेन यानी न्यूरॉन को खत्म कर दे उसके न्यूरोटॉक्सिक क्या कहेंगे न्यूरोटॉक्स तो जहर कितने टाइप का दो हीमोटॉक्सिक न्यूरोटॉक्स अलग अलग सांप में अलग अलग जहर पाया जाता है पर ससुरा न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक होता है समझ में आ गया ना न्यूरोटॉक्सिक बहुत खतरनाक उसको ब्लड से मतलब नहीं ब्रेन तक गया काम खत्म कर दिया आपको और हीमोटॉक्सिक में थोड़ा बहुत आपको टाइम दे देता जैसे जहां काटा है जैसे जहां काट लिया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं वहां से जैसे जैसे फिल्मों में ऐसे ब्लड में हाथ निकाल ऐसे देखिएगा हीरोइन को काट लेगा तो हीरो नहीं मैं आ रहा हूं अब मुंह से ऐसे चुपे फेंक देगा मत किसी का। अब तुम लोग बचाना है लेकिन ऐसे नहीं बचाना है कि वो बैठ जाएगा हम ठीक हो गए अपने चल जाए नहीं जा ऐसे नहीं बचाना है ऐसे कहीं सांप काट लिया तो सांप में दो दांत होते हैं आगे तो वो हमेशा जहां काटेगा वहां स्वेलिंग हो जाएगी भाई आपको छोटा सा सुई लगता है तो स्वेलिंग हो जाती है तो दांते काट लिया है आपको खुद ही पता चल जाएगा कहां है वहीं लहरेगा और वहां पानी से धुलिएगा तो क्या हो जाएगा साफ होगा वहां दो दांत दिखेगा तो आप उसको ना वैक्यूम के मदद से खींच सकते हैं वैक्यूम के मदद से क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं सिरिंज जो होता है ना वैक्यूम बन जाता है इसमें सिरिंज ये रहा देखिए ये जो सिरिंज है ना ये 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 इसके ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए ये आगे का ये नोक निकाल दीजिए ठीक है निकाल दिया ये नोक अब अगर आप इससे खींचिएगा ना तो वैक्यूम बन जाएगा ये ये क्या करेगा वैक्यूम लेकिन इसका मुंह इतना छोटा है कि बन नहीं पाएगा तो आप इसे अगवा से काट दीजिए आगे से क्या कर दीजिए काट दीजिए आगे से काट देंगे तो इसका थुथुरा कट जाएगा ये आगे से ये थुथुर कट जाएगा तो इसका मुंह क्या हो जाएगा चौड़ा लेकिन जब मुंह चौड़ा होगा तो आप ब्लेड से काटेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा क्या हो जाएगा ऊपर नीचे जब ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपके हाथ पे अच्छा से चिपकेगा नहीं तो इसको निकाल लीजिए इधर से घुसेड़ दीजिए क्योंकि इधरिया तो बराबर है इधरिया क्या है बराबर है नहीं समझे अरे जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो उबड़ खाबड़ हो जाएगा और चमड़ा पे तब अच्छा से चिपकेगा नहीं एयर लीक करने लगेगा तो वैक्यूम नहीं बनाएगा तो इधरिया से इसको निकालिए और इधर से कस दीजिए तो ये तो पूरा बराबर है और जहां दत्वा रखा है वहां पर खूब अच्छा से रखिए ताकि एयर लीक ना करे जब उसके बाद जब इसको खींचिएगा तो एयर लीक करेगा नहीं तो आपका चमड़ो पकड़ के खींचेगा अब वहाँ दांत धसा हुआ है तो चमड़ा पकड़ के खींचेगा वहाँ हल्का सा गैप है वहाँ से वो क्या करेगा जहर निकालेगा आपका यहाँ पर और ये सब काम करते रहिए और डॉक्टर के पास भागते रहिए मतलब किसी से कहिए गाड़ी में बैठा चल हम अपना काम कर रहे हैं और जब भी सांप काटे तो एटी परसेंट केस में सांप काटने से नहीं हार्ट अटैक से मौत हो जाती है जबकि सांप को हार्ट से कोई मतलब ही नहीं है या तो वो हीमोटॉक्सिक होगा या तो न्यूरोटॉक्सिक कार्डियोटॉक्सिक तो सांपे नहीं होता है कि हार्ट अटैक हो जाए डरे मर जाता है सो हमने एक आदमी को स्पनिया सांप काट दिया था तो मर गए डरे मर गए बेचारे पानी में बरसात में घूमते रहता है सो जहरीला नहीं होता है सो नॉर्मल सांप होते हैं सो ऐसे ऐसे बच्चे उसको खेलते हैं सो उसको लेके समझ गया वो जहरीले नहीं ले डर के मारे आदमी मर गया हमारे यहाँ एक आदमी को बढ़िया सांप काट लिया वी वाला और उस अरे नहीं जहरीला सांप काट लिया था और वो आदमी उसको देख लिया था अब हम क्या कहें हम झूठ बोलते कि नहीं तुमको सांप नहीं काटा है तो समझ जाता है झूठ बोल रहा है तब तो क्या कीजिए तो हम उसको कहें कि देखो तुमको ना नॉर्मल सांप काटा है तुम ऐसे सही हो जाएगा हम डॉक्टर को फोन कर दिए थे लेकिन ऐसे उसके सामने कह रहे थे ना देखिए डॉक्टर के पास ले जाइए लेकिन कोई फायदा नहीं है तो बिना जहर वाला है घर सही हो जाएगा तो उसको लगा खान सब थोड़े ना झूठ बोलेंगे जबकि हम पूरा प्रोग्राम बना दिए थे गाड़ी आ चुकी थी डॉक्टर के पास आ चुका था सब कुछ हो गया सारा प्रोग्राम रेडी है एक आदमी को बोले थे तुम गाड़ी रेडी कर एगो को बोले थे डॉक्टर के पास रेडी कर एक ठो तो को बोले थे चढ़ाना पड़ता है पानी ताकि खून जल्दी से जल्दी पतला हो सके क्योंकि ज्यादातर सांप जो होते हैं हीमोटॉक्सिक होते हैं खुनवा को गाढ़ा करेंगे तो पतला कर देंगे ससुरा अरे पानी चढ़ा देंगे चार बोतल पंचूछूर हो जाएगा कुल जो सात बोतल पानी चढ़ा दो कुल दही फिर से दूध बन जाए नहीं समझे हाँ उसको लग रहा है हम उसको कह रहे थे गाड़ी में बैठाएं एक बार बाइक पे बैठाएं फिर कहा छोड़ो जाओ ये सही हो जाएगा यहाँ पे फिर एक को हम समझाए थे कि तुम कहना अरे लेते जाइए बेचारे की खुशी के लिए तो सब मेरी प्लान था हम कहें छोड़ दे जाए सही हो जाएगा चलो लो घर चल जाए घर जाए घर जाए तो कर एक अरे लेते जाइए बेचारा का देख रहे मुंह उ तो डर गया तुम डर रहा है अरे ना सर आप बोलेंगे तो हम डरेंगे हमको तो अंदर से हालत खराब था कहीं से कुछ समय पहले ही हो जाएगा तो हमरे पे ब्लेम आ जाएगा हम बस ये नहीं चाह रहे थे कि वो घबराए जब भी आप घबराते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है फिर ब्लड सर्कुलेशन इतना तेज फैलता है कि जो जहर यहां आना चाहिए घबराने के बाद यहां चल जाता है तो जितना ज्यादा फैलेगा बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर डॉक्टर के पास गया डॉक्टर उसको एंटीवेनम दिया चार पांच बोतल से लाइन चढ़ा दिया जितना जरूरत रहता है चढ़ा देता है कि एंटी वेनम काम करेगा अपना तो इसमें तो सांप में ग्रंथि किसका काम करती है जहर का काम कर देती है गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत ये कहा ना कैसे करना है अगवा से काटना है इसको के निकाल के इधर से ठूस देना क्यों क्योंकि इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा सेक्शन यानी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा आप कौन चीज की थी जी हाँ? कोलगेट कोलगेट लग ओ। पानी बहुत ज्यादा चढ़ाना पड़ता होगा ब्लड निकल रहा था चलिए तब इसी यही रीजन है कि हो गई बबनी। इसको सांप काटा था ना तो कहां काटा था पैर पे हाँ पैरों पे कट करते करता है इन्होंने बरसात और साथ में ज्यादा निकलते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना काटने के टाइम जब काटते हैं सो खींच लेता है हाथ पर तो उसमें क्या होता है ना जैसे ऐसे दाँत गड़ाया जब हम खींच लेते हैं ना तो फट जाता है उसी के दांत से तो खून ऊपर चढ़ने के बजाय बह जाता है उसको बाईस बोतल पानी चढ़ाया डॉक्टर कितना बोतल बाईस ट्वेंटी टू बोतल बाबर मजबूरी होती है भाई चढ़ाना क्योंकि खून डॉक्टर को नहीं पता है ना कि जो उसने दवा दिया है वो कितना परसेंट काम कर रहा है और डॉक्टर के पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है दो तीन घंटा में हुआ नहीं तो निपट जाएंगे लोग इसलिए डॉक्टर रिस्क नहीं लेता है कंटिन्यूस चढ़ाते रहता है, है और जो जहर खाते हैं उनको तो नकिया में से पाइप डाल के पेटवा में पानी चढ़ाया जाता है ब्लड में नहीं पेट में जहर खा के बेहोश हुआ पनिया खाके पानी पियो पिएगा बड़का मोटका पाइप लेकर उतार दिया जाता है अलग ढके पूरा पंचु हो जाए जैसे सब्जी में नमक हो जाए एक लोटा पानी डाल दीजिए <laughs> होता ही नहीं होता पानी बहुत काम का चीज है कितना दिन में चढ़ाया था जी बाईस बोतल तुमको चार दिन हाँ चार दिन में चढ़ाना होता है ब्लड में पानी ज्यादा होता है वो आपको पसीना से निकाल देगा ऐसा थोड़ी है कि आप जो पनिया पीते हैं पेट में, में रहता है दिन भर में तो आप लोग कम से कम छे पांच छह लीटर पिए जाते होंगे ये समझ में आ गया ना, ना? पेरो लार ग्रंथि, ग्रंथि लार ग्रंधी कितना लार कितना बनाती है एक से दे लार में कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं कई तरह के एंजाइम जिसमें एक होता है लाइसो जाइम लाइसो जाइम म्यूलिन डाइस्टेज और टाइलिन आप इसे किताबों में देखेंगे तो बस यही लिखता है ठीक है टाइलिन में लेकिन आपको सब पढ़ना है क्वेश्चन यहां से भी आता है म्यूलिन से भी देखिए अब एक एक करके समझते हैं लाइसोजाइन का काम है कीटाणुओं को मार देना कीटाणुओं को क्या करना मार देना इसका मतलब हम हाथ धोए रहे या हाथ धोए नहीं रहे अगर हम खाना खाते हैं तो कुछ कीटाणुओं को हमारे शरीर में बनने वाला लार उसमें उपस्थित लाइसोजाइम कीटाणुओं को मार देता ऊपर वाले को बहुत अच्छे से पता था कि जो छोटा बच्चा है वो दिन भर जमीन पे खेलते रहता है पहले तो चलना नहीं सीखता है पहले तो चार हाथ पर सब मिला के चलता है समझ आ गया कि नहीं आ गया और छोटा लइकवान सबको देखिएगा ना जोनची सबसे पहले उठाएगा मुंह में डाल छोटका लड़का जो कुचू दीजिएगा मुंह में डाल देगा वो कुछ खिलौना दीजिएगा उठा के मुंह में डाल देगा किसी के चप्पल लेके दांत से काटने लगेगा ऊपर वाले को पता था कि यार तो मर जाएगा इसको इतना बीमारी हो जाएगा तो छोटे बच्चों में लार ग्रंथि हम लोगों से ज्यादा एक्टिव होता है दिन भर ऊ लारे चुहाते रहता है कई को तो बांधना पड़ता है यहाँ पे यहाँ पे रुमाल बांधिए चाहे एगो सी बी एस ई वाला खूब अच्छा गोल तोली टाइप का रख ले रहता है बांध देता बाबू बाबू उसमें खूब खेलते रह और देखते देखते रह समझ समझ कि नहीं आ गया तो वो नेचर है और ये ये अच्छी बात है अगर उसकी लार ग्रंथि से लार नहीं बनेगा ना तो जितना वो गंदगी अपने ऊपर लेते रहता है ना बहुत बीमार पड़ जाएगा लड़का लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो सुधर जाता है कई को तो बोर्ड होला पे भी नहीं सुधरता है तो खैर वो तो वो बहुत बड़ा जीत मतलब कंटिन्यूस नहीं आता है तो छोटे लड़कों में ज्यादा लार बनना चाहिए कम ज्यादा बनना चाहिए ताकि वो बीमारियों से उसकी क्या करता है रक्षा करता दूसरा लार ग्रंथि में म्यूलिन पाया जाता है क्या पाया जाता है म्यूलिन ये म्यूलिन भोजन को चिपचिपा कर देता है भोजन को क्या करता है चिपचिपा लसर फसर कर देता है आ गया कि नहीं छोटा बच्चा को दीजिएगा खाना दीजिएगा ना तो खाना मुंह में रख ले रहेगा आप उसकी मम्मी कहेगी और खा लो उम उमे में रख ले रहता है निकाल के देता आप कभी रोटी खाइएगा आइचल रोटी उटी खाने के बाद फिर निकाल के देखिएगा चिपचिपा हो जाता है किसके वजह से म्यूलिन यही म्यूलिन हमें निगलने में मदद करता है आ गया तो रोटी को हम लोग कूच के खाते हैं जिस वजह से रोटी काफी देर तक मुंह में रहता है और उसमें म्यूलिन अच्छे से मिल जाता है इसलिए रोटी जल्दी अटकता नहीं है चावल को पूछता कौन है सटा सट मारा उसमें ढकेल रहा है उसमें ले धड़ा धड़ धड़ा धड़ म्यूलिन मिला नहीं चावल खाते खाते अटक गया अब पहले तो एयर प्रेशर बनाता है चल जो रे ससुरा ना अठाएगा तो को तो पानी पिएगा उसके बाद वो दो तीन सेकंड तक सोचता है कि सोचा बहुत जा तो कि मर जीतो ने बहुत भयान हो गया <laughs> एक दो सेकंड के लिए आदमी कंफ्यूजन में हो जाता है कि सोचा पार लग जाएगा कि आदमी यही बात निपट जाएगा <laughs> समझा गया कि नहीं तो भोजन को अच्छे से पूछ के खाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइसोजाइम मिले जो कीटाणुओं को मार दे और ज़्यादा से ज्यादा जो, जो आप देखिएगा गुपचुप जो होता है पानी पूरी फोचका ये सोचता धड़ाधौर देते रहता है सब धड़ा दो अकेले बैठा गए तो पांच गो लाद देगा एक के ऊपर तो हम अब तो हम खा ही नहीं पाते वरना हम पहले डेली खाते थे गुपचुप अब तो अब कहाँ से खाएंगे तो कहेगा अरे और ये ऐसा चीज है ना कि अगर उसको पैक करा के घर पे लाएंगे ना तो उसका टेस्ट आधा खत्म हो जाता है तो आप देखिएगा अगर आप उसको अगर सिंगल में घिरा गए खिलाएगा एक खाएं तब तो देखे वो लाद देगा और फिर लेके इंतजार करेगा आप जल्दी जल्दी खाएंगे मिल नहीं पाएगा अटका लेंगे फिर उसको घर जाएंगे साइड हो जाएगा गया कि नहीं गया उसको तो बिजनेस करना है वहां पर लड़की बहुत समझदार होती है सब मुस्कुरा के उसका गिनती भुलवा देती है <laughs> खाते रहेगा कितना हुआ ले सब हमको क्या पता कितना हुआ है में आ गया कि नहीं इस सब में नहीं फंसना आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो मुस्कुराना है वो एक अलग डिपार्टमेंट है बिजनेस एक अलग डिपार्टमेंट है समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा विद्यार्थी इस सब में नहीं भागता लेकिन कभी कभी भाग जाता है हालांकि हमारी पूरी कोशिश रहती है आप लोग को सचेत रख समझ है कि नहीं आ रहा लड़की लोग को समझ आ रहा है <laughs> आगे बढ़े हमारे यहाँ एक तो आइसक्रीम बेचने वाला था वो गर्ल्स कॉलेज के पास जाके बेचता रहता उसको इतना ना उधार लगा ही सब कि बंद हो गया बेचारा का <laughs> दस रुपया का आइसक्रीम आज पांच है कल दे देंगे ठीक <laughs> तो <जो> है <laughs> बेचारा का बहुत उधार लग गया उसका <laughs> तो बताइए ध्यान से खाने को ज्यादा कूच कांच के खाना चाहिए कि नहीं <laughs> तो जो लार ग्रंथी है उसमें लाइसो का भी काम है म्यूलिन का भी काम है अब बच गया डाइस्टेज और टाइलिन इसके काम को हम लोग कल समझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप में जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होंगे जिनका एकेडमिक नहीं होगा उन लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत किताबों से होता होगा ऐसे क्लास करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा कब बायोलॉजी खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा समझ गया ही नहीं आ गया चलिए अब आगे का क्लास कल समझेंगे